guys, welcome back to my channel. My name is Priyanka and thank you so much for coming back to this place. So today I am in Andretta. Andretta is a small artistic village near Palampur. और बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने इधर काम किया है, जैसे कि शोभा सिंह, नोरा रिचर्ड्स और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. तो यहाँ पर पॉटरी बनाई जाती है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो दूर दूर से आकर यहाँ पेंटिंग्स के कोर्सेज करते हैं शोभा सिंह गैलरी में. और अभी जहाँ मैं बैठी हूँ इस टाइम पर, वो है नोरा रिचर्ड्स के घर पे, मतलब जो उनके घर के बाहर का एरिया है. नोरा रिचर्ड्स एक थिएटर आर्टिस्ट थी और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है थिएटर में, स्पेशली इन पंजाबी थिएटर. और अब जो ये प्लेस है, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी के द्वारा रन किया जाता है और उन्होंने उनके पुराने घर को, जो नोरा रिचर्ड्स जहाँ रहती थी उसको वैसे ही मेंटेन किया है. और जहाँ वो थिएटर करती थी वहाँ हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल. और वहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं अपना थिएटर परफॉर्मेंसेस देने के लिए. और दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर एन आर्टिस्ट अंद्रेटा. चाहे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, अपने आर्ट में अपने क्राफ्ट को बेटर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि ये विलेज इतना सुंदर है कि मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकती. आई नीड टू वीडियोज़ फॉर दैट. और उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा दूसरा वीडियो कब आ रहा है? तो उसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब. और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे. तो चलते हैं, अब देखते हैं इस वीडियो का पहला हिस्सा का घर. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी नोरा रिचर्ड्स का घर, जहाँ वो रहती थी, जहाँ वो थिएटर करती थी और जहाँ रहकर उन्होंने अपने आर्ट को संवारा और सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है. तो ये जो मकान है, जो कच्चा मकान है, हाँ, इसमें रहती थी. अच्छा. सर्दियों में वो ऊपर चल जाती थी ऊपर स्टोरी में और गर्मियों में नीचे जाती थी. अच्छा अच्छा. तो मेरे फादर शालिग्राम उसके कुक थे, हाँ, उनका खाना वगैरह बनाते थे. अच्छा. दोबारा उसकी देखभाल करते थे. अच्छा. उसमें क्या था, उसने अपना एक धर्म का पुत्र बना लिया था शालिग्राम को. आपके फादर को? हाँ, मेरे फादर को. अच्छा. उसने धर्म का पुत्र बना लिया था. वो बोलती थी मैं बीमार वगैरह हो जाती है तो मेरी देखभाल आपने करनी. उसने ऐसा किया कि मेरे फादर को कुछ है जो एक मकान दे दिया, भाई आप, मेरा घर ऊपर था. अच्छा. ऊपर से यहाँ पर उसने, ये जो मकान है, ये मकान जो है ना, अच्छा, इस मकान में मेरे फादर रहते थे. जब रात को बीमार होती थी तो बिस्ल बजाती थी. अच्छा. बिस्ल जो थी, जैसे रेलवे में बिस्ला होती थी ना पहले पुरानी सीटी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी. वो सीटी बजाती थी, तब शालिग्राम को पता लग जाता था. वो तो फट जाके उसके नोरा के घर में चल जाता था और देखता था क्या मिशाफ क्या बात है. अच्छा. वो थोड़ी हिंदी जानती थी, हिंदी बोलती थी. अच्छा. बोलती थी हिंदी? हिंदी बोलती थी. अच्छा. उससे बात चलता रहा, काम अच्छा काम किया उसने. नोरा ने अपना एक अच्छा थिएटर बनाया, थिएटर बना के, एक थिएटर छोटा था पहले, अभी बड़ा किया यूनिवर्सिटी वालों ने. अच्छा. ये सारा? हाँ जी, ये सारा थिएटर जो है ना. अच्छा. ये बैठने के लिए जगह बनी? बैठने के लिए जगह बनाई सारी, ओपन जो थिएटर बनाया उसने. हाँ जी. फिर इसने क्या किया, भाई हिमाचल को दिया था खिताब, भाई आप इसको सांभो. अच्छा. और मेरा नाम रोशन करो और मेरे जो है ड्रामे इसका हिंदी में अनुवाद करो और इसका आगे
इसका प्रचार करो। ये हिमाचल वाले ने इनकार कर दिया। अच्छा, हिमाचल वाले इनकार कर दिया तो इन्होंने यूनिवर्सिटी को दे दिया, पंजाबी यूनिवर्सिटी को दे दिया। अच्छा, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने एक कवर कर ली जगह। हाँ, और उसके जन्मदिन 29 अक्टूबर को उसका जन्मदिन होता था, तब वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ड्रामा डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आके ड्रामा खेलते। अच्छा, 5-6 दिन 4-5 दिन उन्होंने रहना और पूरा मनोरंजन वगैरह करना यहाँ पर। अच्छा, लोग दुनिया यहाँ पर खचोखच भर जाता था सारा थिएटर। अच्छा, अच्छे अच्छे ड्रामे खेलते थे वहाँ। अच्छा, अभी तक कोरोना के बारे में हो गया काम, तो अब इस बार नहीं हुआ? इस बार हुआ नहीं। अच्छा, उसका जन्मदिन था तो फिर आपने किया कुछ? कुछ ऐसे फूल वगैरह कुछ करते हैं। अच्छा, जो अपना धर्म है वो तो करना पड़ता है। इसके पास दो घोड़े होते थे। अच्छा, नीरू और बदामी। अच्छा, उन घोड़ों से पान परंपरा खाने पीने का सामान लेते थे। अच्छा, जब घोड़े वृद्ध हो गए इसने शूट कर दिया, मार दिया गया। अच्छा, मार दिया, मार दिया। वो बच्चों से प्यार करती थी, प्यार करने से वो थोड़ा नाटक बुलाया, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों से नाटक कराती थी। अच्छा, उसने पहला नाटक लिखा पुत घर आया। हाँ, तो बोलती है पुत घर आता तो क्या करता वो। तो उसने नाटक पुत घर आया तो उसने देखा भी उसकी मदर उसको खाना बनाती है, मेरा बच्चा है भूखा तो नहीं है। तो उसकी वाइफ क्या करती है, वाइफ सोचती है भी पैसा कितना कमा के ले आया, मेरे को कितना देगा वो। इस नाटक की भूमिका बहुत तगड़ी थी। अच्छा, उसने अच्छा ये नाटक लिखा था पुत घर आया। फिर तो यूनिवर्सिटी ने बनाया अपने इसके बड़े नाटक थे जो उसने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने अनुवाद किए और यहाँ पर थिएटर में इसको खिलाया भी चलाया भी। बुलाती थी सरदार सोभा सिंह हो गया, सरदार गुरचरण सिंह हो गया, प्रोफेसर दयादयाल जी हो गया, यहाँ बैठे यहाँ बैठते थे। और मेरे फादर ने हलवा वगैरह बनाना। अच्छा, और सबको बांटना और सबने खाना मिलकर। अच्छा, हाँ जी, ऐसे चलता रहा काम। वो चली गई नोरा का जो इतिहास है वो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और देखने के लायक था। और इतनी अच्छी नोरा थी, अपने गांव को अच्छी समझती थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। So let's enter in Nora Richards' home. तो ये है पहला रूम एंड ये छत पर बैम्बूज का यूज करके सीलिंग बनाई गई है। बैम्बूज है और बैम्बूज को पतला पतला काट के ये बीच में फिल किया है और ये साइड में इट्स अ होल बैम्बू एंड दिस इज ओल्ड विंटेज लैम्प। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक और पुराने ज़माने की चीज़ मैं आपको दिखाऊं। ये वाले स्विचेस पुराने टाइम में ये वाले स्विचेस यूज़ करते थे लाइट में, ये देखो। तो उसके बाद जब हम दूसरे रूम की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी एक छोटा सा रूम है, सिमिलर ही है, ये लैम्प टूटा है और सेम इधर पानी का आउटलेट लग रहा है मुझे, तो आई थिंक मे बी ये बाथरूम रहा होगा। ऑल गैसेस अनदर रूम।
सेम काइंड ऑफ थिंग. अब इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही हमने लिया है राइट. तो राइट लेते ही देयर इज अ वेरांडा. और बरांडा के साथ ही एक और रूम है. और ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए. और ये जो ऊपर का जो एरिया है इसको हम लोग पहाड़ी में बोलते हैं बोर्ड. बोर्ड मतलब जो फर्स्ट फ्लोर होता है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, उसको पुराने ज़माने में बोर्ड बोलते थे पुराने घरों में. मेरा जो दादी का पुराना घर है उसमें भी है. तो इसको जो ऊपर वाला एरिया इसको हम बोर्ड बोलेंगे. सो अब मैं आपको बोर्ड पे लेके जाऊंगी. बिफोर दैट आई वांट टू शो यू दिस रूम. सेम ही है, थोड़ा बड़े बड़े कॉर्नर्स बनाए हैं इधर. बहुत ही कोजी कोजी सा फील हो रहा है. मतलब कि ऐसे कोजीनेस सी होती है ना एक विंटेज घरों में, एक एक वो पुरानी सी फीलिंग, बस वैसा मुझे लग रहा है. एंड अब मैं पहुंच चुकी हूँ बोर्ड में. और जैसे ही मैं बोर्ड में पहुंची, ये है पहला छोटा सा रूम. और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर. और देयर इज अनदर स्मॉल एरिया. और ये छत देखो, ये छत है पुराने टाइम की, स्लेट डले हैं इसमें. एंड नेक्स्ट अब हम एंटर कर चुके हैं एक बहुत ही सुंदर हॉल में. सबसे अच्छी बात मुझे जो इस घर में लग रही है वो है वेंटिलेशन. मतलब इतना ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन है इस घर में. मतलब कि जो नए टाइप के घर होते हैं, जो इस घर जिन घरों में हम लोग रहते हैं, उनसे भी मुझे बेटर लग रहा है ये घर. और आई रियली लाइक इट. शिफ्ट हो जाऊं क्या इधर? ब्यूटिफुल. चलो अब मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ. ये हॉल है और अब हम लोग देखेंगे नोरा रिचर्ड की पिक्चर. लुक एट हर. अब ये है बाहर का व्यू जहाँ से हम लोग आए. और यहाँ से राइट लेते ही इस हॉल से एक बैल्कनी है बड़ी सी. एक और पोर्ट्रेट लगा है यहाँ पे नोरा रिचर्ड्स का. एंड ब्यूटीफुल बैल्कनी. वापिस चलते हैं अंदर. और अंदर जाने से पहले आई वॉन्ट टू शो यू दिस. ये है पुराने जमाने की कुंडियां, लॉक्स. सो यहां से जैसे हम निकलेंगे हॉल से, तो लेट्स गो टू द अदर साइड. सिमिलर
अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द हॉल। और यहाँ पे एक और बहुत ही सुंदर सी बैल्कनी है और लाइट इतनी प्रॉपर है इधर, सी एंड लुक एट द व्यू। कम विजिट दिस प्लेस व्हेनेवर यू कम टू हिमाचल एंड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो मैं अभी बैल्कनी में बैठी हूँ नोरा रिचर्ड्स की, और आई होप वो कहीं से मुझे देख रही होंगी और मुझे अपना थोड़ा आशीर्वाद दें ताकि मेरे भी कुछ क्रिएटिविटी मेरे अंदर से बाहर आए, मैं भी कुछ आर्टिस्टिक करूँ कुछ लाइफ में। सो लेट्स गो आउट नाउ। अब मैं बाहर निकल रही हूँ घर से, तो अब मैं हॉल में पहुँच गई हूँ और हम लोग जहाँ से एंटर हुए थे अब हम लोग वहीं से बाहर जाएंगे। सो ये है सीढ़ियाँ और एक और बैल्कनी है इधर छोटी सी, ये सीढ़ियाँ हम चढ़ेंगे तो हम इस बैल्कनी में पहुँच जाएंगे। और ब्यूटी ब्यूटी दिस प्लेस इज फुल ऑफ ब्यूटी। और ये जो घर है आर्ट की खुशबू आ रही है मुझे इस घर से, आर्ट की खुशबू। सो हम लोग आ गए हैं घर से बाहर और ये छोटा सा लॉन है। Now I want to show you this side. ये अभी नया ही construct किया है, I think after Nora's death. This is student's holiday home. यहाँ पे जो लोग मतलब किसी भी तरह की art करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। देख लो भाई location है ज़बरदस्त। तो अब घर दिखा दिया मैंने आपको नोरा रिचर्ड्स का, सी कितना सुंदर है। और अब मैं आपको लेके चलूँगी नोरा रिचर्ड की ग्रेव दिखाने। हम लोग पहुँच गए हैं नोरा रिचर्ड्स की ग्रेव के पास। जहाँ पे नोरा थिएटर करवाती थी, जिस जगह में थिएटर होता था सेम उसी जगह में नोरा रिचर्ड की ग्रेव है। एंड लुक एट ऑल दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। एंड दिस इज नोरा रिचर्ड्स ग्रेव। मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, मतलब इंस्पिरेशन से भर चुकी हूँ मैं। और मुझे लगता है कि अब नोरा रिचर्ड ने मेरे सर पे हाथ रख दिया है। और सो या दैट्स इट, दैट इज़ टुडेज वीडियो। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगती है कोई मेरी वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर किया करो प्लीज़। यार लाइक तो कर सकते हो ना, दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लाइक करो, शेयर करना है तो शेयर भी करो भाई। और अगर आपको मेरे वीडियोस सच में अच्छे लगते हैं और आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो पता चलता रहेगा जो मैं और वीडियोस डालती हूँ उनके बारे में भी। तो यस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। ध्यान रखिए अपना।